हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, ठीक है। तो देखो, आपकी गेट प्रिपरेशन जर्नी कैसी होती है इसको हम लोग एक स्टोरी से जोड़ेंगे आज। मान लीजिए कि आपने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत बच्चे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मगर एंड में वो ये सोचते हैं कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम रैंक ला पाएंगे या हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसको आज हम लोग एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। देखो, मान लो कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, आप एक जर्नी पे जा रहे हो, एक टूर पे जा रहे हो, ठीक है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो, बहुत दूर है वो सिटी। तो आप जब एक सिटी से निकलते हो तो क्या आपको दूसरे सिटी तक का पूरा रास्ता पता होता है? सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप सिटी ए से निकले तो सिटी बी तक का पूरा रास्ता आपको पता है क्या? नहीं पता है। सेम चीज होती है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि मैं किस मंजिल तक पहुंचूंगा। आपको ये पता जरूर है कि मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं मगर आप ये सोचते हो कि मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बहुत बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं। तो जैसे जैसे आप देखो, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, अब इसको जोड़िएगा, आप जैसे जैसे उस रोड से आगे बढ़े, सिटी ए से आप निकले, सिटी ए से जैसे ही आप निकले आप आगे बढ़ते गए सिटी बी की तरफ। अब बीच में मान लीजिए कोई एक सिटी आया, वहां से आपको टर्न लेना है, फिर अगले सिटी से आपको फिर राइट लेना होगा, अगले सिटी से लेफ्ट लेना होगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपनी मंजिल दिखती जाएगी। सेम चीज होता है आपकी प्रिपरेशन में। जैसे आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया, जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ ली, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब मैं स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद मान लीजिए फिर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आपने आरसीसी पढ़ा, आपने जियोटेक पढ़ा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा गेट अब मुझसे हो पाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अब मैं गेट कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे चीजें आने लगी है। मगर जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको क्या लग रहा था? नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मगर जब आप पढ़ते गए तो आपको क्या लगा कि अब हो पाएगा मुझसे। तो जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आपको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा था। जैसे सिंपल सी बात है कि जब आप रोड पे चल रहे थे तो या तो कोई आपका फ्रेंड होगा या तो कोई आपका गूगल मैप, सिंपल सा एग्जांपल, गूगल मैप हम लोग भी यूज करते हैं, तो वो क्या है, एज ए गाइड हमारे लिए काम कर रहा था। सेम चीज है, एक टीचर भी आपके लिए क्या होता है, एज ए गाइड होता है। और यही चीज आपको खास बनाएगा जब आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ोगे। प्रतिज्ञा बैच जो आपके लिए है, आप सभी बच्चों के लिए है, उसमें वो गाइड जो आपका गूगल मैप आपके जर्नी में है, सेम एज ए टीचर आपकी गेट प्रिपरेशन जर्नी में रहेगा और थ्रू आउट द प्रिपरेशन वो टीचर आपके साथ जुड़ा रहेगा। यही खास चीज प्रतिज्ञा बैच में आप सभी बच्चों के लिए लाई गई है। दूसरी अगर मैं खास चीज बताऊं तो आपको सारे लाइव क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अभी बचा है गेट 23 के लिए, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट लाइव करवाए जाएंगे। गेट एकेडमी ऐप पे सारे सब्जेक्ट आपके लाइव होंगे। उसके बाद थर्ड चीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको हर वीक में डीपीपीस मिलेंगे, जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, हर वीक में या एक टॉपिक कंप्लीट होगा या हर वीक में आपको डीपीपीस मिलेंगे, जिसमें बेसिकली गेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग फॉर्म करते हैं। बेसिकली आपको पूरे गेट ओरिएंटेड वहां पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, गेट लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसको सॉल्व करके आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। एज ए गाइडेंस आपके पास टीचर हमेशा रहेगा, आपके डाउट क्लियर करने के लिए रहेगा, एचओडीज रहेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे आप सभी से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। और डाउट अगर आपके मन में नहीं रहेगा तब आप टेंशन फ्री होके पढ़ पाओगे। सेम चीज है, जर्नी में आप टेंशन फ्री थे क्योंकि आपको लग रहा था मुझे सारी चीजें पता है। यहाँ पे भी जब आप अपने प्रिपरेशन में टेंशन फ्री हो जाओगे तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं इस सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया हूं, अब मेरी जर्नी में, ये मेरे गेट प्रिपरेशन में मुझे चीजें आने लगी है। इसके साथ और क्या चीज मिलेगा सर हमें प्रतिज्ञा बैच में? तो अगर आप देखोगे तो आपको रिकॉर्डेड लाइब्रेरी मिलेगी, मतलब इससे पहले जो गेट के कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं। जैसे अगर कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट जल्दी करना है मगर लाइव में अगर वो सब्जेक्ट बाद में होगा तो आप रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से उसको पढ़ सकते हो, आप रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को होता है ना, कुछ सब्जेक्ट पसंद होती है उनको, अगर वो पहले पढ़ना है तो वो रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रतिज्ञा बैच को आपके लिए खास बनाती है, आपके प्रिपरेशन जर्नी में प्रतिज्ञा बैच को खास बनाती है अगर आप इस बैच से जुड़ते हो। अभी अगर मैं बात करूं तो आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है 26 में से, जिसमें आपका आरसीसी स्टार्ट हो गया है जो अमित सर पढ़ा रहे हैं, और आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट हुआ है जो अपूर सर पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में लाइव चलेंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। मान लीजिए लाइव क्लास भी आप किसी कारण से उस दिन नहीं देख पाए
तो वो क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आप इवनिंग में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो अगर मॉर्निंग में आपकी क्लास हुई है तो। ये बात हो गई हमारी प्रतिज्ञा बैच की कि इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जब आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लोगे तो हमेशा आपको ये फील रहेगा कि जर्नी तो हार्ड थी मगर उसका जो आउटकम था वो बहुत बढ़िया था, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी बातें कि आप गेट प्रिपरेशन जर्नी कैसे करोगे। अगर इसके प्रतिज्ञा बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फैकल्टीज को, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 7020863266। अमित सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7086880185। आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप गेट अकेडमी का लाइव ऐप क्लास डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमसे क्लियर कर सकते हो, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। आप इतने स्मार्ट हैं कि आप सारी चीजों से वहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे और आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इसने कम टाइम में अगर प्रिपरेशन करना है तो हमें स्मार्ट थोड़ा बनना पड़ेगा। सो हम लोग मिलेंगे फिर प्रतिज्ञा बैच में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।